हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है अंकित सिंह और गाइज काफ़ी टाइम से मैंने मार्केट एक्सप्लोर की कोई सीरीज़ नहीं दी थी, तो मैं आज फेस कर रहा हूँ आपके सामने रुद्रप्रयाग मार्केट। तो रुद्रप्रयाग मार्केट हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा मार्केट है और हमारा पर्सनली मेन मार्केट रुद्रप्रयाग ही है जो काफ़ी बड़ा है। तो आज आप वीडियो के साथ बने रहे क्योंकि आज रुद्रप्रयाग मार्केट को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ और बताऊँगा मैं आपको कि मार्केट का कैसा व्यू है, क्या क्या मार्केट में उपलब्ध है, और आप बने रहें। तो गाइज अभी है ये रुद्रप्रयाग का बायपास और सामने मार्केट के लिए रोड जाती है डायरेक्ट, और ये है ऋषिकेश के लिए, और फिर ये घूम के बायपास होके मार्केट को मिलती है। तो यहाँ पे बसें भी आती हैं तो ध्यान दीजिए, और पीछे वाली रोड है तिलवाड़ा की, और सामने देखिए आप खूबसूरत सा मार्केट का व्यू। वही अब चलते हैं मार्केट की तरफ। तो तिलवाड़ा से हम डायरेक्ट मार्केट में यहाँ से जाते हैं और बड़ी गाड़ियाँ बाईपास होके सीधे ऋषिकेश निकलती हैं और कुछ फिर ऊपर से यहाँ आती हैं। अभी हैं हम छेनागाड़ में और ये रुद्रप्रयाग का टनल है जिसको हम टनल के नाम से जानते हैं, रुद्रप्रयाग की टनल। और अब हम पहुँच चुके हैं टनल पार करके सीधे मार्केट में, सामने खूबसूरत सा मार्केट का व्यू। और आइए अब चलते हैं मेन मार्केट में। तो तिलवाड़ा से जैसे ही आप गुजरते हैं तो सबसे पहले आपको ये पुल दिखता है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड के लिए आपको बेलनी के लिए जाना पड़ता है और पुल पार करते ही आप मेन मार्केट में एंटर हो जाते हैं। तो ये बेलनी वाली रोड है, पिछली ब्लॉग में मैंने कोटेश्वर महादेव का जो मंदिर दिखाया है वो इसी रोड पे है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरी इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। गाइज अभी हैं हम रुद्रप्रयाग के मेन पुल पे जिसके नीचे अलकनंदा नदी बहती है और आगे ये मंदाकिनी नदी से मिलती है जो रुद्रप्रयाग संगम है। तो संगम भी दिखाएंगे, अभी हम दिखाएंगे आपको रुद्रप्रयाग मार्केट। तो एक नज़र पुल के पल्ली साइड डालिए, यहाँ भी एक छोटा सा मार्केट है जो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। और अभी हम हैं रुद्रप्रयाग मार्केट के टर्न पे, तो यहाँ से जो सीधी रोड जाती है ये बद्रीनाथ धाम के लिए जाती है। तो आई होप कभी हम इस रोड का भी ज़रूर दिखाएंगे और बहुत जल्द हम बद्रीनाथ का भी एक ब्लॉक लेके आएंगे। तो अभी हम आज रुद्रप्रयाग मार्केट पर फोकस करेंगे और आपको पूरा मार्केट दिखाएंगे। तो टर्न के सामने पर कुछ ऐसा व्यू है, काफ़ी अच्छी दुकानें हैं। अभी थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है तो इसकी वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर में हम यहाँ भी दोबारा से दिखाएंगे। तो अभी हम यहाँ से एक छोटा सा पल्ली साइड का मार्केट दिखाते हैं। गाइस सामने है अलकनंदा नदी जो चमोली डिस्ट्रिक्ट से आती है, और ये है रुद्रप्रयाग का पुल और पल्ली साइड का मार्केट। कुछ यहाँ पर मैंसन किए गए हैं जगह के नाम, तो आप पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं मार्केट में, मैं मिलता हूँ आपको मार्केट में। आप म्यूजिक का मजा लीजिए। और गाइज अभी हम एंटर कर चुके हैं रुद्रप्रयाग मार्केट में जो एक काफ़ी खूबसूरत सा मार्केट है, और ये है मेन मार्केट जो पीपल के पेड़ के पास है। तो यहाँ का प्रसिद्ध नाम गोल मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रुद्रप्रयाग का गोल मार्केट है और यही मेन मार्केट भी कहलाता है। यहाँ पे हर जगह की टैक्सी मिल जाती हैं आपको, और बसें भी यहीं पर आती हैं जो ऋषिकेश देहरादून से आती हैं, और जाने वाली बसें आपको बस अड्डे या तो आपको वहाँ बाईपास पे मिलती हैं। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखना, जब भी ट्रैवल करो तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मार्केट का व्यू काफ़ी खूबसूरत है, जितना मैं वीडियो से नहीं दिखा पाऊँगा उससे काफ़ी खूबसूरत आपको आके लगेगा। तो वीडियो के साथ बने रहें, सब चीज़ दिखाएंगे आपको एक एक करके। तो सबसे पहले पीपल का पेड़ है जो सेंटर में है, जिसके दोनों साइड से गाड़ी चलती है। तो उसके चारों तरफ से एक गोल मार्केट बना हुआ है जहाँ पर हर चीज़ की दुकानें हैं, चाहे वो सब्जी की हो, परचून की हो, कॉस्मेटिक की हो, स्टेशनरी की हो और कपड़ों की हो, तो सभी दुकानें मिल जाती हैं। काफ़ी अच्छे रेट लगे मुझे मार्केट के, क्योंकि मेरा पर्सनली अपना मार्केट है। तो मैं यही बताऊंगा कि आपको कुछ भी सामान की ज़रूरत हो तो मार्केट में आना, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है तो आपको पता है कि रेट क्या रहता है रुद्रप्रयाग मार्केट का, तो इस चीज़ से तो ये बहुत अच्छा है। तो बाकी आपने यहाँ पे डेवलपमेंट देखना है तो अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि रुद्रप्रयाग मार्केट कितना डेवलपमेंट हो चुका है। और बाकी दुकानें तो काफ़ी हैं, दुकानें तो हर चीज़ हैं, मतलब आप घर से किसी चीज़ के लिए आओगे तो लेके ही जाओगे क्योंकि हर चीज़ की सुविधा है। यहाँ से बद्रीनाथ के लिए जाते हैं और तिलवाड़ा से भी यहीं से आते हैं,
और ये गोल मार्केट है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ऊपर की साइड से दिखाते हैं कुछ तो चीज़ें, देख लो आप क्या क्या है। ओवरऑल मार्केट का व्यू काफ़ी खूबसूरत आता है और पर्सनली बताऊँ तो काफ़ी सुंदर लगता है। पॉल्यूशन से भी मुक्त है तो अच्छी बात है। और गाइस अभी मैं रुद्रप्रयाग मार्केट में हूँ और यहाँ के लिए कहते हैं गोल मार्केट। तो आपने मार्केट का व्यू देखा और अब मैं आपको ऊपर की तरफ ले चलता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आगे का सीन दिखाते हैं आपको। की दुकानें हैं गाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें। मेन मार्केट से ऊपर आते ही आपको एक छोटा सा पुल टाइप का दिखेगा जिसकी दोनों साइड से रोड है। तो ये बस अड्डे वाली जगह है जहां पेट्रोल पंप और बस अड्डा दोनों है। तो लगभग 600 या 700 मीटर में ये एक यू टर्न टाइप का है। तो आपको मैं इसी यू टर्न पे ले चलता हूँ और वहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं आपको। तो यहाँ भी काफ़ी दुकानें हैं, वही कॉस्मेटिक, स्टेशनरी, गारमेंट्स और काफ़ी चीज़ें हैं। तो मेन बस अड्डा भी यहीं पे है रुद्रप्रयाग का, इसको हम ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं एक टाइप से। तो ट्रांसपोर्ट का सभी सामान भी वैसे तो मार्केट में आ जाता है, लेकिन नहीं आता तो आप बस अड्डे पर पता कर सकते हैं अगर आपने कभी ये एक्सपीरियंस लिया है। ये बस अड्डा है, यहीं पे पेट्रोल पंप है। तो अच्छा है, मार्केट में सब चीज़ की सुविधा है। तो फटाफट से ऊपर की साइड चलते हैं। बाय द वे यहाँ पे कुछ होटल भी हैं, तो खाना ज़रूर खाना एक बार कभी इस साइड आओ, तो रेट थोड़ा अच्छे हैं। तो चलिए गाइस अब आपको ले चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे पुलिस स्टेशन है रुद्रप्रयाग का और अभी हम चलेंगे ऊपर की साइड। तो ऊपर गुलाब रे है जो काफ़ी खूबसूरत सी जगह है। बड़े बड़े होटल हो या बड़े बड़े शोरूम हो, गाड़ियों के शोरूम से लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं ऊपर ही दी जाती हैं। सभी कार्यालय ऑफिस भी ऊपर ही हैं। तो ऊपर की साइड चलते हैं। ये है आर्मी बैंड, रुद्रप्रयाग का तीसरा बैंड। मार्केट से थोड़ी सी ऊपर पे आर्मी लाइन। तो यहाँ पे सभी आर्मी की सैनिक और आर्मी के जो भी कैंप कुंभ लगते हैं तो वो यही है। तो एक बार यहाँ का व्यू भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे रुक के देखते हैं। और गाइज अभी मैं हूँ रुद्रप्रयाग के आर्मी लाइन पे और यहाँ पे आर्मी वालों के कैंप और आर्मी कैंटीन और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ के शॉट्स का आनंद लीजिए आप, कुछ शॉट्स बनाए हैं मैंने यहाँ के। सो ही गाइज अभी हम एंटर कर चुके हैं गुलाब रे वाली लाइन पे जो रुद्रप्रयाग मार्केट से ऊपर है और रुद्रप्रयाग का एक हिस्सा ही है। और काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है यहाँ का। बड़े बड़े होटल हो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो, बड़े बड़े शोरूम हो, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेग्राउंड भी है जो मैं आपको अभी दिखाऊँगा। RTO ऑफिस भी यहीं रहता है, तो अगर आपको कुछ चीज़ की सुविधा चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है यहाँ पे।
और आजकल तो मौसम आपको पता है, इस महीने मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये गुलाब रे का पूरा एरिया है जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, तो आप इन नज़ारों का आनंद लीजिए। मिलता हूँ मैं आपको आगे। ओके तो गाइज, अभी मैं गुलाब रे पे हूँ और यहाँ से बाईपास होके हम चलेंगे घर की तरफ। तो चलो निकलते हैं, मार्केट मैंने आपको दिखा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आगे भी बने रहें, अभी कुछ शॉट बाकी हैं, तो चलिए चलते हैं। और ये है रुद्रप्रयाग गुलाब रे, तो इसको पीछे छोड़ के हम चलते हैं अब आगे की तरफ, जो यहाँ का मेन बाईपास है जो ऋषिकेश के लिए जाता है। नीचे अलकनंदा नदी का सुंदर जल जो संगम से होके आ रही है, और नीचे अभी रेलवे सुविधा भी है, आई होप जल्दी प्रारंभ होगी तो रेलवे का आनंद भी लेंगे हम। तो सामने जो रूट जा रहा है ये ऋषिकेश देहरादून दिल्ली श्रीनगर, अब नीचे की साइड ही जा रहा है। और यहाँ पर रुद्रप्रयाग का बोर्ड लगा है बड़ा सा कि वेलकम टू रुद्रप्रयाग, और यहीं से आप रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते हो। इससे नीचे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है जो श्रीनगर के लिए रोड जाती है, और ये है हमारे तिलवाड़ा के लिए डायरेक्ट बाईपास जो केदारनाथ मार्ग भी कह सकते हैं। तो हम चलेंगे इसी पे, ये केदारनाथ वाला रूट शुरू हो चुका है और यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम ठीक मार्केट के अपोजिट साइड से हैं जो केदारनाथ वाला मार्ग है, नीचे नदियों का संगम और सामने खूबसूरत सा व्यू रुद्रप्रयाग मार्केट का, और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट के नाम से जगह है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और जैसे ही हम बाईपास से बाहर निकलते हैं तो उसी वाली जगह पे पहुँच चुके हैं हमने जहाँ से ब्लॉग शुरू किया था। तो ये था आज रुद्रप्रयाग मार्केट का एक छोटा सा एक्सप्लोरर वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हे गाइज, अभी मैं हूँ उसी पुल पर जो सुबह हमने शुरू किया था जहाँ से ब्लॉग। तो यहाँ से आगे वाली रोड तिलवाड़ा के लिए जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।